नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लोगों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो आप लोगों को अगर प्रतिदिन का कैलकुलेट करते हैं तो एक रुपए से भी कम का आता है प्रीमियम आप लोगों का, और सालाना लगभग 337 रुपए का प्रीमियम आता है, और इसमें आप लोगों को 2 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। ठीक है, आप लोगों के ना होने के बाद आप लोग अपनी फैमिली को छोड़ करके पैसा जा सकते हैं। ये टर्म प्लान है दोस्तों, और ये टर्म प्लान में आप लोगों की किसी भी तरह की मैच्योरिटी नहीं होती है, यानी कि आप लोगों को केवल यहाँ पे प्रीमियम देना होता है। और अगर जो टर्म प्लान जिस एवेज में आप लोगों को कवर कर रहा है, अगर उस तरह की घटना हो जाती है तो आप लोगों के नॉमिनी को या फिर कह लीजिए आप लोगों की फैमिली को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि और क्या सारी चीजें हैं इसमें, किन किन बातों का आप लोग को ध्यान रखना है, किसको खुलवाना चाहिए वगैरह वगैरह सारी बातें। आप देख रहे हैं द इनर चैनल और मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इनर चैनल में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, टर्म प्लान क्या होता है? टर्म प्लान मेच्योरिटी के साथ नहीं आता है, लेकिन अगर आप लोग इसे इंश्योरेंस से कंपेयर करते हैं तो इंश्योरेंस से फार बेटर होता है आप लोगों का टर्म प्लान। और मैं अपने सभी इन्वेस्टर्स को या फिर कह लीजिए जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुनते हैं, मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि वो टर्म प्लान ले। अब ये जीवन ज्योति बीमा योजना ही नहीं, आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ योजनाओं को देख सकते हैं, जैसे कि LIC में भी कई सारे टर्म प्लान हैं, और भी जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आप लोग को टर्म प्लान देती हैं। ये एक सरकारी योजना के तहत आप लोगों को मिनिमम से मिनिमम प्रीमियम में टर्म प्लान प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि ये आप लोगों के फैमिली को आप लोगों के ना होने के बाद, जैसे कि आप लोगों की डेथ हो जाती है किसी भी तरह से, तो आप लोगों के फैमिली को यहाँ पे ये कवर करता है, और आप लोगों को सालाना 330 रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है। ये आप लोग किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, आप लोगों का अकाउंट जिस भी बैंक में हो आप लोग जाकर के वहां पे फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। मैं नीचे वीडियो का लिंक दे दूंगा आप लोगों के, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर के डायरेक्टली उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप लोग जाकर के अपने बैंक में भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आप लोगों का इसका फॉर्म मिल जाएगा, और जाकर के आप लोग इसको अपने अकाउंट के साथ अटैच करवा दीजिएगा। याद रखिएगा कि आप लोगों की एज 18 साल की हो गई हो और आप लोग 50 साल के हो गए हो और उसके अंदर हो, तब आप लोग यहां पे इस जीवन बीमा योजना को ले सकते हैं। अब यहां पे दोस्तों एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग ये टर्म प्लान जब भी ले या फिर कह लीजिए जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आप लोग आते हैं तो आप लोगों का 31 मई तक ही आप लोगों को कवर करता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने जून में लिया, ठीक है, तो आप लोगों को आने वाले 31 मई तक कवरेज मिलेगा, और वहीं पे अगर आप लोगों ने जनवरी तक लिया तो आप लोगों को 31 मई तक मिलेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये टर्म प्लान आप लोगों का एक साल में चलता है। अब एक साल ये 31 मई तक का ही होता है। अगर आप लोग इसको दोबारा लेना चाहते हैं तो दोबारा से आप लोगों को रिन्यूअल कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को रिन्यूअल से बचना है तो आप लोगों को अपने बैंक को बताना होगा कि हम इसे 10 साल तक लेना चाहते हैं, हम इसे 15 साल तक लेना चाहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के एज के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप लोग 20 साल के हैं तो आप लोग यहां पे 30 साल तक भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बैंक को बताना पड़ेगा कि हां आपको यहां पे रिन्यू करना है। जैसे ही 31 मई खत्म होगी 1 जून को आप लोगों के अकाउंट से 330 रुपए कट जाएंगे और ये बीमा योजना दोबारा से रिन्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग इस बीमा योजना को ले रहे हैं जीवन ज्योति बीमा योजना को, तो अपने नॉमिनी को इसके बारे में जरूर जानकारी दे दीजिएगा कि आप लोगों ने अपने बैंक में इस तरह का खाता खुलवा रखा है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो यहां से आप पैसा ले सकते हैं, 2 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज दोस्तों कि ये टर्म प्लान जरूरी नहीं है कि ये बेस्ट टर्म प्लान है, आप लोग इससे ज्यादा भी कवर दे सकते हैं। एक आइडियल टर्म प्लान कितना होना चाहिए, कितने तक का आप लोगों को कवर लेना चाहिए, वो वीडियो आप लोगों को देखना चाहिए जिसमें मैंने आप लोगों से बात किया है कि अगर आप लोग घर के अकेले कमाऊ सदस्य हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि अनहोनी आप लोगों के साथ हो सकती है, और दोस्तों ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग अपने लिए टर्म प्लान जरूर लें। तो आप लोग जाकर के उस वीडियो को देखिए और समझिए कि एक आइडियल टर्म प्लान कितने रुपए तक का होना चाहिए और उसकी कितनी प्रीमियम बन सकती है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक है, आप लोगों को काफी कुछ सीखने को वहां से मिलेगा। बाकी दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग सुसाइड करते हैं तो आप लोगों को इस योजना के तहत कवर नहीं मिलेगा। कई लोग इसके लिए थोड़ा दिमाग चला लेते हैं कि इतने पैसे की जरूरत है तो
ये सारी चीजें करने पे आप लोगों के फैमिली को कवर नहीं मिलेगा। तो बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या फिर आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करके अपने क्वेश्चन को वहां पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का जल्दी से जल्दी वहां रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, कुछ हेल्पफुल लगी हो, तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो दूसरों की भी मदद कर सकती है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करके उनको भी बताएं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि वीडियोस अपलोड हो तो आप लोगों से मिस ना हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।